सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका अगर एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल के लिए इनेबल कैसे करेंगे, और अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कैसे करेंगे, ठीक है। और तीसरा, अगर आप उसका लिमिट सेट करना चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कितना लिमिट तक आप करना चाहते हैं, लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उससे रिगार्डिंग आप कुछ भी करना चाहते हैं, लिमिट सेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन को इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारा ऑप्शंस मिल जाता है आपको अकाउंट से रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ, अपना यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब हमको जाना है डेबिट कार्ड के ऊपर, तो डेबिट कार्ड में हम जाएंगे सर्विस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन दिया हुआ है सबसे नीचे। सर्विसेज पे अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड में, सेम जो भी आपका डेबिट कार्ड का उस सेम आपको क्रेडिट कार्ड में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डेबिट कार्ड से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन मिल जाता है मैनेज यूजेस का, ठीक है, मतलब कि यूजेस को मैनेज करना। तो मैनेज यूजेस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड सेलेक्ट करने के लिए आ गया। अगर आपके एक या एक से ज़्यादा कार्ड हैं तो आपके यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरा एक ही कार्ड है तो यहाँ पर एक कार्ड आ गया। अगर एक से ज़्यादा होते तो यहाँ पर आपको स्लाइड डाउन या अप करके अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रिगार्डिंग आप यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं यूजेस, ठीक है। तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों आ गए। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर डोमेस्टिक दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर इंटरनेशनल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ATM विड्रॉल लिमिट यहाँ पर आपका 50,000 है। इससे अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको स्लाइड डाउन करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ATM खो गया है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्विच ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑफ हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जीरो हो गया। अब अगर कोई भी आपके कार्ड से रुपये निकालेगा तो वो वहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको ऑन कर दीजिएगा, और जितना भी लिमिट रखना चाहते हैं मैक्सिमम यहाँ पर 50,000 है। दूसरा कॉन्टैक्ट लेस लिमिट का, जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो जो मशीन रखी होती हैं तो अगर आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप वाईफाई कनेक्ट होता है तो आपके कार्ड से पेमेंट हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेस मतलब कि आपको कार्ड को स्वाइप करना या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल अपना कार्ड को वेव कर दीजिएगा तो वहाँ पर आपका पेमेंट हो जाता है जितना भी करना चाहें। तो यहाँ पर भी आप लिमिट को सेट कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 5,00,000 की, ठीक है। तो जितना भी आप सेट करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। सेम आपका ई कॉमर्स लिमिट है, यहाँ पर भी 5,00,000 की है, तो जितना भी आप करना चाहते हो उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर POS लिमिट भी यहाँ पर आपकी 5,00,000 है, जितना भी करना चाहते हो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सेट हो जाएगा। इसी तरह से आपका इंटरनेशनल दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। अगर इंटरनेशनल का यहाँ पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि मैंने अभी ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऑन करना है तो सबसे ऊपर यहाँ पर स्विच ऑफ ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, स्विच ऑन कर दीजिएगा। मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ऑन हो गया है। ATM विड्रॉल लिमिट यहाँ पर 50,000 है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पर 4,00,000 है, उसमें डोमेस्टिक में 5,00,000 थी, इसमें 4,00,000 है। अब जितना भी आप लिमिट सेट करना चाहते हो तो उतना लिमिट सेट कर लीजिएगा और वहाँ पर आप इंटरनेशनल पेमेंट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा इस बैंक का कार्ड है और मेरा इंटरनेशनल पेमेंट करता हूँ। जैसे कई वेबसाइट होती है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ भी करते हैं तो उसमें हमको इंटरनेशनल पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल आप डॉलर में भी यूज़ कर डॉलर में कोई चीज़ खरीदते हैं, यूरो में कोई खरीदते हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो हमको इंटरनेशनल पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसको इनेबल कर लीजिएगा तो आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। अगर इनेबल नहीं होगा तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और डोमेस्टिक के लिए मैंने ऑन कर दिया। जितना भी लिमिट सेट करना चाहते हैं उतना लिमिट सेट कर लीजिएगा और नीचे कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया, और यहाँ पर नीचे फिर से कंफर्म पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको एम पिन फिल करना है, ठीक है। तो अपना आप एम पिन फिल कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एम पिन फिल कर दिया और यहाँ पर हमारा लिख के आ गया योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप यहाँ पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट का मैनेज कर सकते हैं कि किस कितना लिमिट होना चाहिए, ऑन है या ऑफ है, क्या करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया। अगर आपकी वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।